है, उसको पिक्चराइज भी किया, तो वो शायद हमारे स्टाइल से हमने बनाया. तो आई एम स्टार्टिंग तालीम डिवोशनल ऑल्सो, एंड देन उसमें कव्वालियाँ होंगी, उसके अंदर हम कव्वाली भी सेक्शन एक चालू कर रहे हैं. एंड हमारी आयत जो है, एंड अभी मैं आपको आयत से भी मिलाता हूँ, बिकॉज आई थिंक शी शुड मीट यू एंड यू शुड मीट हर, शी इज़ वेरी टैलेंटेड. हमारी आयत की वजह से उस एक छोटे से बच्चे को ट्रेन करते करते और उसके साथ खेलते खेलते, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि तालीम किड्स भी होना चाहिए. सो हम वेरी सून हम तालीम किड्स भी आप लोगों के सामने लेके आने हैं, तो उसमें हम बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाएंगे. एंड लास्ट थिंग, जब मुझे अब इतनी दिनों बाद मिला है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यू टैलेंट. जैसी भी आपकी आवाज़ है, अगर आप दिल से गाते हो, सुर तो हम ठीक कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत 19-20 होगा हम सब ठीक कर लेंगे. माई इंटायर स्टूडियो, माई इंटायर टीम इज़ वेटिंग फॉर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ टैलेंट. अगर आपको फील होता है, सो प्लीज़ वेलकम टू तालीम, यू आर ओपन, तालीम के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप यहाँ पर आके जस्ट विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल इंशाल्लाह. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब तालीम चैनल, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन पेइंग एंड बाइंग सब्सक्राइबर और पेइंग एंड बाइंग लाइक्स, आई डोंट डू दैट. तो मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि इसको किस तरीके से आप लाइक करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कितने सब्सक्राइबर आते हैं, क्योंकि जितने आप लोग सब्सक्राइब करते जाओगे तालीम, आई थिंक यू विल गिव मी दैट पावर टू डिलीवर व्हाट आई हैव इन माय माइंड फॉर द फ्यूचर. थैंक यू, आई लव यू. क्या आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मेरा नाम है समीर मार्ग, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ जो कि 2014 से आया था, और ये जर्नी बहुत ही अलग रही है मेरी, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने बड़े लेजेंड के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए है नहीं. हाय, मैं हूँ सौंदर्य शर्मा, और मैंने अभी ये ताज़ा हाल ही में कल रिलीज़ हुआ गाना किया है जिसका नाम है बड़े दिन से, कंपोज बाय दी साजिद वाजिद, written by him, sung by Muskan, with Neetu ji, co-starring Sameer, and I'm very thrilled and excited कि हमारा गाना Valentine's Day पर release हो रहा है, और हमने बहुत ही प्यार और मेहनत से इस गाने को किया है. This is my introduction, क्योंकि हम बड़े दिन से के लिए आए हैं, तो मैं सिर्फ बड़े दिन से के बारे में ही बात करूँगी. आप बिग बॉस के बारे में बात करना चाहें तो बिग बॉस के बारे में मैं इन सब से बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी. ये स्टूडियो भी बिग बॉस का ही है. नहीं, मुझे लगता है कि बिग बॉस का एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था, बट बिग बॉस के बाद व्हाट इज मोर एक्साइटिंग इज कि मैंने बाहर निकलते ही ये गाना किया है, और वैलेंटाइंस डे पर रिलीज हुआ है, फिनाले दिन पर रिलीज हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा इसको सबने पसंद किया है, द मेलोडी, द सॉन्ग, द लिरिक्स, एंड बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने किया है. वी वेंट टू इंडो चाइना बॉर्डर के पास, सिक्किम, सिलीगुड़ी, हमने बहुत ही प्यारे लोकेशंस में शूट किया है, और इट वाज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि मैं 4 महीने के बाद सीधा बाहर आई, और मुझे पहली बात तो बहुत सरियल सी फीलिंग्स हो रहे थे, एंड कमिंग बैक टू द शूट, इससे बेहतर क्या हो सकता है. और गाना इतना ज़्यादा सूदिंग था कि मैं लूप पर सुन रही थी, मुझे पहले तो मैं भूल ही गई थी कि मेलोडी सॉन्ग होता क्या, एंड कमिंग बैक टू दिस मेलोडी, नथिंग कुड हैव बीन बेटर स्टार्ट फॉर मी. तो बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ कि हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लव, दैट टू विद दिस सॉन्ग. हाय, आई एम मुस्कान. दिस सॉन्ग ये मैंने गाया है, एंड जस्ट लाइक समीर सैड, आई थिंक इवन आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि इन लेजेंड के साथ मुझे भी दोबारा काम करने का मौका मिला, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन, एंड शी इज़ रिटन इट सो ब्यूटिफुली, दे लुक्ड सो अमेजिंग, एंड एंटायर टीम इज़ डन अ फैब जॉब, एंड द रिस्पॉन्स जो हमें आ रहा है कल से is amazing, it's overwhelming. Yeah. You guys have made our Valentine's Day special. Hi, मैं नीतू पांडे क्रांति, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि साजिद वाजिद सर के साथ में मुझे लिखने का मौका मिला है, और इतनी अच्छी कंपोजिशन थी. तो मतलब एक राइटर के लिए ये होता है कि जब कंपोजिशन अच्छी होती है तो शब्द अपने आप आने लगते हैं, और इतनी प्यारी कंपोजिशन पे जब लिरिक्स आ जाए और उस पे मुस्कान जी की वॉइस, इतनी अच्छी वॉइस आ जाए, तो फिर गाना हिट तो होना ही है. और बड़े दिन से एक बोलचाल के जो भाषा है, जो आजकल का ट्रेंड है कि मतलब आजकल इसी टाइप के गाने ज़्यादा लोग सुनते हैं, और हम आम भाषा में जो बात कर रहे होते हैं, जब उसको एक गाने के थ्रू में हम सुनते हैं,
तो फिर हर किसी के दिल की आवाज बन जाती है, जो कि हमारे गाने के साथ हो रहा है। कल से लोगों का जो इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतने सारे लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। हमने सुना है कि सौंदर्य जी आपने पैसे लगाए हैं गाने आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट शो किया है, यही बड़ी बात है, वो ही हमारी पूंजी है। तो बात ये है कि पैसा लगाए, व्हाट नहीं, ये सब क्वेश्चंस, ये रूमर्स है क्या? नहीं, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड जब मुझे साजिद सर ने फोन किया और बोला कि हम ऐसे ऐसे गाना करें, तो मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ गाने की? बिग बॉस चाहते हैं कि सौंदर्य गाना प्रोड्यूस करे। हमें पता चला आप लोगों ने वहाँ पर, आप तो वीगन है और आपने वहाँ पर मोमोज खाए और मैगीज खाई, समीर मार्क और आप लोग ने ये सब खाया, पानी पूरी वूरी खाते हुए नजर आए आप लोग। सो मोमोज और पानी पूरी वीगन ही होता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वीगन खाना कोई प्लूटो से आया हुआ होता है। वीगन खाना विदाउट डेयरी प्रोडक्ट्स होता है और वो नॉर्मल, मतलब 80-90% जनता हमारे यहाँ पे अननोइंगली वीगन है, उसको एक अलग से शब्द दे दिया गया है, बिकॉज हम हर सब्जी में, पानी पूरी में, मोमोज में डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं डालते हैं। और आप अंडे खाते थे? मैंने सिर्फ अंडे खाया पूरे शूट पे। मैंने तो बहुत दबा के मोमोज खाए हैं। आपके वीडियोस भी देखी है मैंने, हमने देखी है आपने, हाँ आप क्या खा रहे थे, कितनी मस्तियां कर रहे थे, वो हमने किया है। मतलब गाना तो एक बहाना भी हो गया काइंड ऑफ, खाना तो मैंने बहुत लपेटा है वहां जाके बिग बॉस से आने। Yes, actually, it is a wonderful experience for me as well. I am very fond of Muskan's voice. She sings really well. And of course, kyun nahi, because the genes, it's in the genes. So, she's put it really beautifully. In fact, this entire thing has come up so well. It looks like that it was made for this particular song and as a cast. So, it's a feast to be featured in a song where, what a beautiful voice and, you know, beautiful composition and amazing team. And what else could be better than, you know, we going to locations like very beautiful and surreal, and that too coming out of Big Boss house. Yes, it is an amazing, and I'm very thrilled about this whole thing. Yeah, Muskan Gani ki jo USP hai, obviously you work with your dad and it's not difficult, I mean it's not easy, it's rather difficult when you know you're working within the family and the creative differences, you know. Tell us about, you know, recording the song and now when you see it finally, you know, ek gaane ki ek appeal hoti hai when you finally see the final product on screen, which is beautifully shot on Sandhya and Sameer. Yes, so actually if you've heard Vaja Chacha and Dad ka kaam pehle se, any composition na has a very long shelf life. To wo compositions aisi hoti hai jo aap saalon saal sun sakte ho. तो द ब्रीफ ऑल्सो दैट ही गिव मी इज कि इसमें एक इनोसेंस आना चाहिए, इट हैज़ टू नॉट साउंड लाइक सम सिंगर, और यू नो इसमें हरकतें ज़्यादा नहीं, इट हैज़ टू साउंड सिंपल ताकि एवरी वन कैन सिंग इट। एंड देन द सिंपलेस्ट ब्रीफ वाज़ कि फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स दैट, एंड देन व्हेन वी न्यू दैट शी इज ऑन बोर्ड, सो शी केम टू द स्टूडियो, वी हैव हर्ड द सॉन्ग अ कपल ऑफ टाइम्स टुगेदर, तो कुछ चेंजेस वी हैड टू डू जस्ट बिकॉज वी वॉन्टेड हर टू यू नो स्माइल इन दैट वीडियो, उस मोमेंट पे ये आना चाहिए। सो दोज थिंग्स एंड वर्किंग विद डैड, आई थिंक उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि मेरा पोटेंशियल क्या है, सो ही पुशेज मी द मैक्स टू रीच दैट। सो जो रिजल्ट वो मुझसे निकाल सकते हैं, आई डाउट कोई कभी निकाल पाए। आप पियानो भी बजाती? जी, मैं पियानो भी बजाती हूँ, मैंने बचपने में पियानो सीखा था, तो वाइल प्रैक्टिसिंग एंड ऑल ऑफकोर्स। No, she's put it really beautifully that his brief to her was the innocence. Yeah. And I think that has worked for the song because aaj ke gaano mein, like all the songs are amazing, but what we actually sometimes need is the innocence, that naiveness of the emotion. And I think very beautifully she's put it and it has And that out. Is actually, so ye jo innocent voice ho and you know, ye bahut feeling se is gaana, this was actually something that I've learned from Vaja Chacha. So I used to hear him sing with the guitar and this is how he used to sing. Ki har word pe feel kaisa aana chahiye, how the actresses should look or the actor should look. So every time we do a song, even when I'm working with that, the first thing is that you have to think how he would want you to do it.
तो वो ये जो है ना इनोसेंस दैट इज फ्रॉम हिम हां दैट इज हिज गोल. हाउ वाज द लोकेशन? नाउ आई हैव हर्ड दैट सिक्किम यू ऑल वेंट ऑल द वे टू गैंगटॉक. लोकेशंस वर ट्रस्ट मी when we see the incredible India, it's truly apt for our this thing. They were out of the world, very breathtaking locations. बहुत ही सुंदर सुंदर जगहों पे हम लोग गए हैं. मुझे तो नाम भी नहीं पता उन valleys के, है ना समीर? बताओ locations के बारे में. locations का नाम तो नहीं पता, बहुत बहुत ज़्यादा beautiful था. और एक था कि वहाँ पे ठंड बहुत थी. मैं कश्मीर गया हूँ, मनाली गया हूँ, मुझे लगा था यहाँ पे normal होगा, but वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं shoot के time ही काँपने लग गया था पूरा. हाँ -1 में टेम्परेचर था. इट वॉज नियर चाइना बॉर्डर एंड बहुत ही सुंदर था. और हमने वहाँ वादियों के बीच में वो पानी वाली मैगी भी खाई थी. इसमें मुझे काफी अच्छा लगा सबके साथ काम करके. और जब साजिद सर ने मुझे बुलाए थे तो एक ड्रीम था कि इनके साथ मुझे काम करना, और एक वो ड्रीम पूरा हो गया. और ये सॉन्ग का बताऊंगा कि ये सॉन्ग बहुत ही प्योर है. जैसे वैलेंटाइन में जो कपल्स होते हैं उनके लिए, मतलब ये कि ये लव होता क्या है, बहुत ही प्योर लव, बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट एक दूसरे में, और शर्म हया हर एक चीज़ दिखाया गया जो कि अभी के नॉर्मल सॉन्ग्स में नहीं होते. और ये सॉन्ग में बहुत ही प्योर लव दिखाया गया कि लव होता क्या है. तो ये अच्छा लगा मुझे सॉन्ग. पता है मेरा ये सेकेंड एसोसिएशन है इनके साथ, साजिद जी के साथ. And my experience has been so good because पहली बात तो मुझे एक वो हमेशा एक एक्टर को ना एक लालसा होती है, एक लालच होता है कि मतलब मेरे किटी में वो सब सॉन्ग्स हों जिसके लिए मुझे याद रखा जाए आगे तक. सो एटलीस्ट मेरी जर्नी के स्टार्टिंग में पहले मैंने मस्त बरसात किया था लास्ट ईयर, और अब बड़े दिन से किया है. तो आई लुक फॉरवर्ड टू कि मतलब अब क्या वो कंपोज करेंगे एंड मेरे बारे में सोचेंगे. और इस बार मुस्कान की आवाज़ है तो मैं हमेशा मुस्कान को बोलती थी मुस्कान क्या गाया है मतलब. तो एक चीज अभी यही बोल दो कि जब भी तालीम के लिए काम करो मुस्कान गाए. हाँ ये बोल दो. पर नेक्स्ट टाइम मुझे डांस नंबर चाहिए. डन. गा के बताओ ना. डन. ये बड़े दिन से गा दो ना. डन. ओके. बड़े दिन से नहीं मिले तुमसे, बड़े दिन से नहीं मिले तुमसे, बैठो मेरे पास कुछ तो कहो. कैसी दूरी मजबूरी, कैसी दूरी मजबूरी, मुझे तुम लगा लो ना गले. वाह. अच्छा वैसे ये गाना हमारे साथ मेरे साथ अल्तमश ने गाया है एंड ही संग इट सो ब्यूटीफुली. ही इज़ नॉट हियर आज बट उन्होंने बहुत मेहनत की है एंड इट्स साउंडिंग वेरी नाइस. या सो या वेरी ब्यूटीफुल. यस एंड यू नो व्हाट, द एंटायर थिंग हैज़ बीन सो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एंड रियली थैंकफुल टू माई डायरेक्टर नितिन FCP एंड नदीम ऑफ कोर्स साजिद जी. वो तो थ्रू आउट थे ही. एक विजन है, एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, एक प्रोजेक्शन होता है एंड आई थिंक देव ही इज पर्टिकुलरली मेड अस लुक सो ब्यूटिफुल. इतने प्यारे तरीके से इस कहानी को पिरोया है और दिखाया है कि मतलब यू नो दोज यंग डेज लव जब आपको शुरुआत में होता है और वो जो एक नज़ाकत होती है, एक शर्म होती है एंड दैट कोजीनेस, येट देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन चीप वल्गर एंड वेरी येट बींग आउट देयर टुगेदर. तो बहुत ही प्यारे तरीके से नितिन ने इस चीज को डायरेक्ट किया है. सभी फ्रेंडली थे, साजिद सर, नितिन सर, ऐसा लग रहा था पिकनिक पे आए हैं. आई थिंक तालीम की स्पेशलिटी ये है कि दे कम अप विद वेरी रेयर कॉम्पोजिशन जो कि अभी तक हर गाने पे थैंकफुली टचवुड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. एंड ऑल्सो अनकन्वेंशनल है. दे आर नॉट वेरी रेगुलर कॉम्पोजिशन, रेगुलर सॉन्ग. और एक और चीज बहुत खास है कि वो नए लोगों को बहुत अच्छे से मौका देते हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. और ये सॉन्ग सभी को पसंद आ रहा है.
भी छोटे बड़े हर किसी को ये सॉन्ग को काफी पसंद आ रहा है. सौंदर्य, जिस तरह बिग बॉस के फाइनल के दिन भी आप थे घर के अंदर, देखा हमने एंड एमसी स्टैंड ने खिताब जीता, कितना लगता है वो वेल डिजर्व थे उस खिताब के जीतने या प्रियंका और शिव नहीं जीते, काफी क्लोज थे वो, क्या लगता है आप कितना डिजर्विंग थे एमसी स्टैंड उस खिताब को जीतने में? देखो जीते हैं जो भी लोग 15 वीक क्रॉस करके गए हैं वो सब डिजर्विंग है, कोई नॉन डिजर्विंग नहीं है. वो यहाँ बैठ के लगता है जो भी लोगों को, सबके अपने फेवरेट्स नॉन फेवरेट्स हो सकते हैं, बट डिजर्विंग नहीं होगा तो इंसान वहाँ नहीं पहुंचेगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू बी देयर एंड पुट योरसेल्फ आउट देयर. हम जैसे आप हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कि हर किसी की पर्सनालिटीज अलग है और बाकी पोटेंशियल विनर इज स्टिल सिटिंग हियर. हालांकि स्टैंड जीते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज शुरुआत में सबसे अगर कोई किसी का दोस्त बना था तो स्टैंड मेरा ही था फ्रॉम डे टू, जब तक मंडली नहीं बनी थी. और फिर भी मैंने उसे सपोर्ट किया, बिकॉज हमेशा मुझे लगता था कि वो लड़का थोड़ा क्लोजेट से पर्सनल लाइफ में इतना वो नहीं है, बट इज अ वेरी जेन्युइन एंड राइट गाय एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि वो जीते हैं. कितना डिसअपॉइंट प्रियंका, क्योंकि प्रियंका सबसे टॉप पे चल रही थी वोटों के आधार पे भी, जिस तरह सोशल मीडिया में भी बात चर्चा हो रही थी कि 80-90% वोट प्रियंका को ही मिले. आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन. यस, और ये सब क्वेश्चन आप मुझसे अलग भी कर चुके हो, हम क्यों प्रियंका शिव की बात